उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल के मोहल्ला तीरगरान में कमरे में 32 वर्षीय युवक का गला कटा हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि मामला जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल के मोहल्ला तीरगरान का है, जहां पर 32 वर्षीय युवक मोबिन का गला रेत कर हत्या कर दी गई। युवक का शव कमरे में चारपाई पर पड़ा मिला। युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट। भाई हांसी जे बच्चे बड़े अंदर 11 बजे करीब उन्होंने आकर देखा अंदर तो इसकी गर्दन कटी हुई थी मोबिन की, तो यहाँ से आकर उन्होंने रुका तारा। मोहल्लेदारों को मालूम हुआ, चेयरमैन को फ़ोन किया गया। चेयरमैन के बाद पुलिस आई। पुलिस आने के बाद जब मोहल्लेदार अंदर गए, चार पेपर पड़ा लेटा रहता। मामला ये हुआ जी, यहाँ पे रहता था अकेला, ये शहद वहद बेचता था, ये सुबह अपना फेरी मजदूरी करता था, अपना काम करता था, फिर सो जाता था। इसकी गर्दन कटी हुई है जी, बिल्कुल यहाँ से अलग हो रही है। जिस बेड पे पड़ा है, जिस चार पे पड़ा है, वहाँ पर पूरा खून ही खून हो रहा है। उसमें कोई भी पोजीशन इसकी है कि ये गेट खुला सुबह ही, इसको देखा कि बाहर नहीं आया। सुबह नहीं, 11 बजे। हाँ, 11 बजे करीब जो महल्ले के कोई बच्चे अंदर खेलने के लिए गए तो अंदर भी गेट खुल रहा था, जब देखा तो उसकी गर्दन कटी हुई मिली अंदर से वहाँ से। देखिए, कस्बा चरथावल में तीरगरान मोहल्ले में एक मजदूर टाइप व्यक्ति है मोबिन। मोबिन सनोप शब्बीर, उम्र करीब 30-32 साल, पुताई का काम करता है। तो इसके घर में आज कोई नहीं था, वैसे इसकी माँ रहती है साथ में, वो भी नहीं थी। इसकी गर्दन रेत रखी है, कमरे में इसका शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर हम लोग गए, शव को पोस्टमार्टम को भिजवाया गया है। और इसका एक भाई मुस्तकीम मुजफ्फरनगर में मजदूरी करता है, पूछताछ की जा रही है।